करौली जिले के नादौती ब्लॉक का दलपुरा गांव, जहां पर एक महिला है जिसको पिछले 8 साल से पालनहार योजना मिल रही थी। अभी पिछले 2 साल से पालनहार योजना नहीं मिलने के कारण वह महिला काफ़ी परेशान है, क्योंकि अपने बच्चों को पढ़ाने में भी असमर्थ है। आप इसे कहते हैं आप दूध पीवेगी। क्या नाम है आपका? लच्छो। कहाँ, गांव का नाम क्या है? दलपुरा। क्या परेशानी है आपको? मैडम मेरे पास रेट नहीं पड़ा, कारा पेंशन मिलती, वो भी बंद हो गई। पालनहार क्यों बंद हो गई? अब मैं डॉक्यूमेंट्स दिया ही, करौली भी दिया ही, और एक आध बार धोती भी जमा कराया, फिर वे मिल रही नहीं। अब भी कितने दिन से नहीं मिल रही? बहन को 2 साल हो गई। क्या कहते हैं वो जब करौली गए थे? बिन नौकरी मिल जाएगी, चल रही है, न्यासू होगी चालू, सबकी बंद हो रही, गई साल ने बोला सबकी बंद है, जब मिल जाएगी। पहले मिलती थी आपको? पहले मिल गई खूब। अब 2 साल से पेंशन नहीं मिलने से क्या क्या परेशानी है? यही परेशानी है मैडम, फीस नहीं लगती बच्चों की, 3 बच्चे हैं तो 3 इनको कितने खर्चा हो रहा है, और एक स्कूल में खाना बना हुआ क्या मिलता है, 1200-1300 रुपया मिलता है। और वो पेंशन आपको यदि मिलती रहती तो क्या फायदा होता? अब बस हो तो कचु फीस लगती। कितने पैसे मिलते थे उसमें आपको? हमको तो 700 मिला बा टाइम, तो 1000 हो या देख बाद में मिल रहा नहीं। कितने बच्चों को मिलती थी? पहले 2 उनकी मिलाई, अब 3 उनकी अलाउ हुए, अब 3 उनकी हम उनको मिली नहीं। आपको ही नहीं मिली या किसी और को नहीं मिली? नहीं, और की आ रही है। आपने कभी इसके लिए शिकायत की? शिकायत तो कुछ नहीं कही, हम गया कि कैसे नहीं मिल रही। कहाँ पे गए थे? करौली बाबू से बतलाया, जब मैंने रिकॉर्ड भी देखे कि चालू है, आ जाएगी, पर आई नहीं। हम और हमारा समुदाय, वह महिला ये चाहती है कि उसकी पालनहार योजना जो बंद पड़ी हुई है पिछले 2 साल से, वह तुरंत स्थिति से चालू की जाए, जिससे वह अपने बच्चों का पालन पूर्ण तरह से कर सके।